हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। ब्रेकिंग न्यूज फॉर शाहरुख खान सन्स एंड आर्यन खान। जी हाँ दोस्तों, बोले तो आज 7 अक्टूबर है दोस्तों। आज का दिन बोले तो यार, मतलब कि आर्यन खान को लेके बहुत बड़ी फैसला होने वाला था, बोले तो उनका केस के लेके एक सुनवाई होने वाला था। लेकिन दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि जुडिशियल कस्टडी में इसको डाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये जो केस है अब जुडिशियल कस्टडी संभालेंगे, बोले तो 14 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए फिर से आर्यन खान अंदर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई बेल नहीं, कोई राहत नहीं। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान भी वहाँ पहुँचे मिलने के लिए पहुँचे हुए थे दोस्तों, और साथ में गौरी खान भी थी दोस्तों। बोले तो यार, मतलब कि 23 ईयर्स ओल्ड आर्यन खान का करियर एक तरह से बोल सकते हैं शुरू होने से पहले ही ख़त्म बोल सकते हैं। मतलब कि इस उम्र में बोले तो यार, जो सुर्खियाँ बटोरना था बंदे ने वो बटोर लिया दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता इस मैटर में दोस्तों, लेकिन बोले तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के बोले तो किंग खान शाहरुख खान एक ऐसा हस्ती है जो पूरी वर्ल्ड जानता है इस बंदे को यार। मतलब कि ये बंदा अपनी मेहनत से आज किंग खान बना है। मतलब कि इन्होंने जो स्ट्रगलर किया था ना अपने ज़माने में, जब वो दिल्ली छोड़ मुंबई आया था ना बंदा, जो स्ट्रगलर से आज इस मुकाम पर बने हैं ना, बैंड स्टैंड मन्नत हाउस जो खड़ा किया है ना वो बंदा, ऐसे ही नहीं किया भाई, तुम जाना ऐसे ही ऊपर नहीं आया। इन्होंने मेहनत किया, वो कदर जो होता ना पैसे की इज्जत करना इन्होंने सीखा। लेकिन बोलते हैं ना वो कि अगर आप अच्छा नॉलेज बेटे को दोगे तो बेटा अच्छा ही नॉलेज निकलेगा। खैर मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहता इस पर, लेकिन दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज यही है कि 14 दिन बोले तो फिर से आर्यन खान अंदर रहेंगे, उसके बाद फिर से सुनवाई होगी। फिर उसके बाद अभी देखना दिलचस्प ये रहेगा कि उनको बेल मिलती है या नहीं मिलती, ये तो 14 दिन के बाद ही बता सकते हैं दोस्तों। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज तो फिलहाल यही है दोस्तों। तो मैं जाते जाते एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को, कि अगर आपके बाप के पास ढेर सारा दौलत है, पैसे वाले बाप के बेटे होना, तो नाजायज पैसा खर्च मत करो, खुद की कमाई पे जो भी खर्च करना है खुद का कमाई से करो। जी हाँ करो, खुद से मेहनत करो और फिर जाके वो शौक पूरा करो, तो समझ में आएगा कि क्या होती है पैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसे का कद्र करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खुद की हो या बाप का दौलत हो। तो बस भाई इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।